दोस्तों, गरुण को तो आप लोग जानते ही होंगे। इनका कई महाकाव्यों में वर्णन किया गया है। क्या आपको गरुण और गिद्ध के बारे में पता है? हम गरुण को देवता क्यों मानते हैं? सांपों की इनसे क्या दुश्मनी थी? हम आपको गरुण और सांप से जुड़ी एक कथा के बारे में बताएंगे, और इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, गरुण एक पक्षी है जो चील और बाज से बड़ा होता है, लेकिन गिद्ध से छोटा होता है। इसका मुख्य भोजन सांप है। गरुण भगवान विष्णु की सवारी है, और हिंदू कथाओं के अनुसार गरुण का उल्लेख रामायण जैसे महाकाव्यों में किया गया है, जिसमें गरुण भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को नागपाश के बंधन से बचाता है। यहाँ पर गरुण और सांप की एक कथा को दिखाया गया है। गरुण जिनका खौफ पूरे ब्रह्मांड में होता है, जिनसे यमुना नदी में रहने वाले कालिया नाग और वासुकी जैसे नाग भी खौफ खाते थे। आदिकाल से गरुण की सांपों से दुश्मनी थी और सांपों को गरुण से। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 16 के अनुसार सतयुग में दक्ष प्रजापति की दो पुत्रियों कद्रु और बनीता का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। एक बार महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नियों से खुश होकर उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, और उनकी पत्नी कद्रु ने 1000 वीरों की माता होने का वर मांगा, और बनीता ने दो ऐसे पुत्र मांगे जो कद्रु के सभी पुत्रों से शक्तिशाली हों, जिनका नाम अरुण और गरुण हुआ। कुछ समय बाद गरुण नाम के पुत्र ने बिना माता की सहायता से अंडे को फोड़कर बाहर निकल आकाश में प्रकाशमय हो गए, और नागों की माता को धरती का प्रतीक और बनीता को स्वर्ग की देवी माना जाता है। अब एक बार दोनों बहनों में विवाद हो गया कि सागर मंथन से निकले सूर्य के घोड़े वर्ण श्याम वर्ण के हैं या श्वेत वर्ण के। बनीता ने उस घोड़े को श्वेत वर्ण का बताया, लेकिन कद्रु ने उसकी बात नहीं मानी। कद्रु ने कहा, घोड़े तो श्वेत वर्ण के हैं, लेकिन पूछ नहीं। और फिर उसने बनीता से कहा कि दासी होने की शर्त पर अगर मेरी बात सही हुई तो तुम मेरी दासी होगी, नहीं तो मैं आपकी दासी बनूंगी। इसके बाद कद्रु ने षड्यंत्र करके अपने सांप पुत्रों को बुलाया, और वो सांप रंग बदलकर उस घोड़े की पूंछ में लिपट गए, और पूंछ का श्याम वर्ण हो गया। इस तरह बनीता शर्त हार गई और उसे दासी बनना पड़ा। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे। एक बार गरुण ने अपनी माँ से पूछा कि हम सांपों की गुलामी क्यों करते हैं, तो माँ ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। इस बात को सुनकर गरुण को बहुत दुख हुआ, और इस समस्या के हल के लिए वो नागों के पास गए और इसका हल पूछा। नागों ने गरुण को उसके लिए स्वर्ग से अमृत लाने के लिए बोला, जिससे नाग उस विष को पीकर अमर हो जाएं और गरुण और उसकी माता को भी गुलामी से मुक्ति मिल सके। गरुण अमृत लाने के लिए इंद्रलोक गया। वहां पर देवता गण गरुण की चाल को समझ के पहले से ही सतर्क हो गए थे और अमृत की रक्षा कर रहे थे, लेकिन गरुण ने देवताओं को हराकर अमृत को लेकर चल दिए, और रास्ते में गरुण का इंद्र से युद्ध होता है, लेकिन इंद्र भी विफल होते हैं, और इंद्र गरुण को एक देवता समझकर उनसे सवाल करते हैं कि हे गरुण, आप कौन हैं? ये सुनकर गरुण सारी कहानी इंद्र को बताते हैं, और इस पर इंद्र गरुण से कहते हैं कि अगर आप इस अमृत को नागों को दे देंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। गरुण ने जवाब दिया कि मैं इस अमृत को ले जाकर वहां पत्थर के ऊपर लगे कुश पर रख दूंगा, और आप उठा लाना। इस बात से इंद्र खुश हुए और उन्होंने गरुण से वर मांगने के लिए कहा। गरुण को अपने और अपनी माता के साथ हुए अन्याय की याद आ गई, और उन्होंने वर मांगा कि ये नाग हमारा भोजन हो जाए। इंद्र ने वर दे दिया। गरुण उस अमृत को ले जाकर उस पत्थर पर रखे कुश के ऊपर रख दिया और नागों से कहा कि आप सब जाकर नहा लीजिए, फिर अमृत पान करिए। कुछ समय बाद इंद्र आकर उस अमृत को लेकर चले गए। नहाकर वापस लौटे नागों ने वहां अमृत ना देखकर चिंता प्रकट की, सोचा कि शायद कोई हमारा अमृत चोरी कर ले गया। कुछ विचार करने के बाद उन्हें लगा कि शायद थोड़ा अमृत कुश में लगा होगा। वो उसे चाटने लगे, लेकिन कुश से उनकी जीभ के दो भाग हो गए, और आज भी उनकी जीभ के दो भाग हैं। इस तरह गरुण और उनकी माँ को दासता से मुक्ति मिल गई। उस समय से गरुण सर्पों को खाते रहे और जंगल में विचरण करते रहे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।